स्क्वायर 90 होगा, 5 ऊपर आइए, 10 टाइम करना है, 6, बहुत अच्छे महाराज जी। बैलेंसिंग आसना है, सामने जब तक आप ध्यान नहीं लगाओगे बैलेंस नहीं कर सकते हो। ताड़ासन, इसको बोलते हैं ताड़ासन, बैलेंसिंग आसना, बहुत अच्छे। देखो कितना अच्छा कर रहे हैं सभी लोग। 10 सेकंड्स तक रोक के रख, अपनी दोनों हथेलियों को रब करें, रगड़िए दोनों हाथों को, रगड़िए बहुत जोर से रगड़ना है। अपने में लेट करके आपको सुख की अनुभूति प्राप्त होनी चाहिए। पतंजलि के अनुसार स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक रह करके सुख की अनुभूति प्राप्त करना, उसको आसन कहते हैं। शरीर को एक एक अंग शिथिलात्मक अवस्था में छोड़ दीजिए, इसको बोलते हैं शव आसन। हम लोग बीच के बाद जितने भी आसन करेंगे उसके बाद शरीर को नॉर्मल में लाने के लिए इस आसन का उपयोग करेंगे, ठीक है। अभी हमारा मस्तिष्क का ये साइनस बोलते हैं इसको, और इसी के ठीक नीचे ये हार्ट का पॉइंट होता है। आप ताली बजाएंगे तो शरीर के अंदर कोई सा भी एक ऐसा अंग नहीं है जहां पर इसका फायदा ना पहुंचे, और ताली जैसे बजानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसलिए जोर से बजानी है कि शरीर के अंदर आपका एक वाइब्रेशन फील होना चाहिए। बजाना क्या है, 1 मिनट के लिए सांस में बजाएंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आपने क्या क्या सिखाया है? देखिए योग दिवस में योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और योग से क्या है कि हमारे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से, यानी तीनों ही स्तर पे हमारे शारीरिक रूप से, मानसिक और आध्यात्मिक पे यानी मजबूती प्रदान करता है। और योग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परिचय बताइए। और मेरा नाम योगाचार्य तरुण उपाध्याय है, और मैं निवासी टीचर्स कॉलोनी आगरा से। ऐसा योग बताइए जिससे पूरी सारे शरीर की बीमारियाँ दूर हो जाए। देखिए सारे शरीर की आपको लगा योग से निरोग बनना है, आप केवल दो ही चीज़, मतलब मैं बहुत अच्छी तरह से बताऊंगा, हर एक इंसान को कपालभाति और अनुलोम विलोम प्राणायाम करना चाहिए। कपालभाति करें और उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसलिए करें ताकि अनुलोम विलोम प्राणायाम से क्या होता है, हमारे शरीर की अंदर 72,000 नाड़ियाँ होती हैं, उनका प्यूरिफिकेशन होता है, शुद्धिकरण होता है। तो यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से क्या है, शरीर के अंदर की एक एक नाड़ी हमारी शुद्धिकरण होती है। अच्छा सर, तो योग दिवस से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं आज के दिन? योग दिवस से देखिए संदेश, योग से हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश मिलता है। हमारे सांसारिक और सामाजिक स्तर पर हमें एक दूसरे से आत्मीयता और भाईचारा बनाए रखना चाहिए, यानी कि योग हमें एक दूसरे से मिलना जुड़ना और किस तरीके से आपको सामाजिक स्तर पे कैसे एडजस्टमेंट बिठाना है, उस तरीके से हमें योग से बहुत ज्ञान प्राप्त होता है। और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आप उस स्तर को यानी कि उस चीज़ को, उस सिचुएशन को काफ़ी तरीके से हैंडल भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। महात्मा जी आप ये बारे में कुछ बताओ। योग एक शरीर का महान अंग है, हमारे यहाँ अपना अपना परिचय बताओ। महामंडलेश्वर स्वामी रामचंद्र गिरी खड़े श्रीमान। योग से क्या क्या फायदा है? योग से सभी कुछ फायदा है। योग से आप चाहो तो अपने शरीर को लोप कर सकते हो, समस्त बीमारियों का उपाय है।
काया को कल्प कर सकते हो, आयु को कम कर सकते हो, जो भी चाहो सो योग से कर सकते हो। पंडित जी आप योग दिवस पर आपका हार्दिक स्वागत है, अपना परिचय दो। मैं ध्रुव कुमार शर्मा मंदिर श्री का कोषाध्यक्ष हूँ। हाँ आज योग दिवस पर क्या कहना चाह रहे हैं लोग? तीर्थ स्थल बटेश्वर समिति की ओर से श्री बटेश्वर नाथ जी महाराज के प्रांगण में योग शिविर का आयोजन किया गया है। योग जो है वो हम सरल शब्दों में जोड़, हम जोड़ने को ही योग कहते हैं। और इस योग की क्रियाओं को आठ अध्याय में अलग अलग बांटा गया है। उसमें यम नियम में पहले हमारे जीवन की शुचिता और दिनचर्या के ऊपर विशेष जोर दिया गया है कि हमें खेला में जो है शौचक्रिया अभियान से निवृत्त होकर के तब योग के और आगे आसन वगैरह की तरफ हम जाएं। तो इसमें शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक की ओर बढ़ने के लिए एक रास्ता बताया हमारे ऋषि मुनियों ने, और यही आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस योग को विश्व पटल पर स्थापित किया है। और इसलिए 21 जून को ये योग दिवस मनाया जाए। थैंक यू। आज जो योग का ये आयोजन हुआ श्री ब्रह्मला जी महाराज के इस प्रांगण में, योग के करने से मनुष्य को अगर निरोग रहना है तो योग की शरण में ही जाना पड़ेगा, नहीं फिर तो डॉक्टरों के चक्कर लगाते हैं। थैंक यू बनी। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।